एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो गाइज, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसके लिए जो है मुझे काफ़ी टाइम से जो है रिक्वेस्ट आ रही थी। तो आज मैं आपको अपने साथ जहाँ ले जाने वाली हूँ वो है एक मंदिर, और जो ये मंदिर है ये दादा भगवान प्रेरित निष्पक्षपाती त्रिमंदिर है, काफ़ी लंबा नाम है। और जो ये मंदिर है ये काफ़ी अलग अलग शहरों में भी है। तो जो मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ, जहाँ मैं आपको ले जाने वाली हूँ, वो है मुंबई में, मुंबई के बोरीवली में। तो ये मुंबई के बोरीवली में है, और बस जो है मैं निकल रही हूँ घर से। और मैं जो है ये मंदिर पहले भी गई थी एक बार, बट तब मैं जो है आपको अंदर दिखा नहीं पाई थी, क्योंकि तब तक जो है मंदिर ओपन नहीं हुए थे। बट मुझे काफ़ी सारे जो है वो मैसेजेस आए थे कि मैम प्लीज़ अंदर से भी दिखाओ, तो मैंने सोचा चलो मैं आपको दिखा ही देती हूँ। तो जस्ट मैं अभी जो है मंदिर पहुँच चुकी हूँ, और जो ये वाइट कलर का दिख रहा है आपको सुंदर सा, ये है वो मंदिर। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो ये यहाँ पे जो है इन्होंने बाहर जो है बड़े बड़े से पोस्टर लगाए हुए हैं, तो निष्पक्षपाती त्रिमंदिर, और ये देखिए तो बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से। जब हम अंदर जाते हैं मंदिर के, तो इसको जो है तीन भागों में इन्होंने बांटा है। तो ये देखिए आपको तीन भाग दिख रहे होंगे। तो पहले भाग में जो है यहाँ पे हैं शिव जी का मंदिर है, यहाँ पे शिवलिंग है, साथ में जो है पार्वती माता हैं, और जस्ट उसके बाहर से आपको दरवाजे दिख रहे होंगे। तो ये अंदर हैं शिव जी और पार्वती माता, और उसके जस्ट बाहर से जो है दरवाजे के एक साइड हनुमान जी हैं, और एक साइड जो है गणपति बप्पा हैं, गणेश जी, ये देखिए। और मंदिर जो है वो बहुत ही सुंदर है, पूरा जो है वाइट संगमरमर या पत्थर कह लो आप, पूरे सफ़ेद पत्थरों से बना हुआ है, और इस पर जो है अच्छी खासी बहुत अच्छी इन्होंने नक्काशी भी की हुई है। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है। और ये सामने जो है हमारे नंदी महाराज हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो ये है पूरा जो है फर्स्ट पार्ट। ये देखिए जो शिवलिंग है वो भी पत्थर का ही बना हुआ है, और ये पीछे जो है ये पार्वती माता हैं। यहाँ पे आपको सामने पे जो है एक बकेट में पानी भी दिया है, अगर आपको जल वल चढ़ाना है तो आप पानी चढ़ा सकते हो। और इसके बाद जो है ये हमारा है सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे मैं सेकंड भाग में पहुँच चुकी हूँ। तो ये है वर्तमान तीर्थकर श्री सीमंधर स्वामी जी। तो ये जो हैं वो जो जैन धर्म को मानते हैं वो इनकी पूजा करते हैं। और ये बहुत बड़ी जो मूर्ति है, काफ़ी बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत ही सुंदर है। बाहर पे जितने भगवान जी हैं यहाँ सबके नाम दिए हुए हैं, श्री पंचागुली यक्षिणी देवी, तो आपको सबके नाम मिल जाएंगे अगर आपको नहीं पता है तो। ये देखिए यहाँ पे श्री अजीतनाथ भगवान, श्री ऋषभ देव भगवान। यहाँ बाहर पे एक बहुत बड़ी सी परम पूज्य दादा भगवान जी की एक बड़ी सी फ़ोटो लगाई है। और इसके बाद जो है वो आता है तीसरा भाग। तो तीसरे भाग में जो है यहाँ पे कृष्ण जी के अलग अलग रूप हैं, और बाहर पे जो है माता रानी है काफ़ी। यहाँ पे सबसे पहले है भद्रकाली, और उसके बाद ये देखिए अंदर, और दूसरी साइड भी हैं यहाँ पे देखिए। तो पहले अंदर चलते हैं फिर आते हैं बाहर। तो अंदर भी ये पूरा जो है पूरा पत्थर का बना हुआ है, हर जगह जो है आपको हर चीज़ पत्थर की बनी हुई मिलेगी। तो ये हैं श्री नाथ जी, और ये हमारे छोटे से क्यूट से लड्डू गोपाल, ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और उसके बाद जो है हमारे श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण भगवान, और उसके बाद जो है वो है तिरुपति बालाजी। तो तिरुपति बालाजी के दर्शन हमने ये कर लिए, और ये हैं गरुड़ देवता विष्णु भगवान जी के आवाहन। तो बाकी यहाँ पे जो है माता रानी भी हैं, और उनका नाम दिया हुआ है कौन सी माता है क्या है, तो आपको जो है नीचे नाम दिया, जैसे यहाँ पे चक्रेश्वरी देवी लिखा है। तो पूरा उनको प्रॉपर जो है अच्छे से ड्रेसअप कराया है, और बहुत सुंदर है, और बहुत शांति मिलती है मन को आकर। और ये देखिए मैंने सोचा चलो आपको बाहर भी दिखा दूँ, शायद बाहर भी कुछ हो, तो मैं ऐसे ही घूम रही थी। तो बाहर पीछे साइड कुछ नहीं है, पीछे साइड एकदम मतलब इन्होंने स्पेस दिया है कि आप परिक्रमा वगैरह कर सको, पर पीछे साइड कुछ भी नहीं है। तो ये आगे से ये साइड से व्यू ऐसा दिखता है। तो जो मेन मंदिर है उसके बाहर लेफ्ट राइट साइड में भी आपको दो छोटे छोटे मंदिर मिल जाएंगे। ये देखिए
ये मेन मंदिर है। और ये देखिए यहाँ पे जो है दो छोटे छोटे मंदिर आपको मिल जाएंगे, एक ये है एक उसके बगल वाला है। तो यहाँ पे और नाम सबके ऊपर दिए हुए हैं ताकि आपको पता चले कि कौन सी माता है, कौन से भगवान की मूर्ति है। यहाँ पे ये देवी पद्मावती हैं और बगल में भी जो है कोई जैन धर्म के जो भगवान हैं वो हैं। और उसके बाद जो ये है ये मेन एंट्री है बड़े वाले मंदिर में जाने के लिए। और अब जो है राइट साइड में जो है यहाँ पे भी जो मैंने कहा था मंदिर है छोटा सा, तो इस मंदिर के दो पार्ट हैं। एक में जो है वो है साईं बाबा, ये देखिए ऊपर जो है नाम भी दिया हुआ है साईं बाबा का। और जो दूसरा भाग है वहाँ है माता रानी अम्बा जी, अम्बा गौरी। जो ये मंदिर है यहाँ मतलब फूल वूल आप चढ़ा सकते हैं, धूप बत्ती मैंने देखा नहीं कहीं पे दिया जला हुआ या ऐसा कुछ अगरबत्ती वगैरह। मैं अभी सिर्फ फूल ही ले गई थी, कुछ और नहीं लगी थी। आप दान पात्र में जो है दान कर सकते हो, तो आप भी अगर जाते हो तो फूल ही लेके जाएं। बाकी मुझे मैंने किसी से पूछा नहीं धूप बत्ती भी चलाते हैं कैसे हैं इसलिए। और काफ़ी सुंदर मंदिर है, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके, एकदम पूरा सफ़ेद वाइट कलर का। और इसके पीछे का जो मतलब सीनरी है वो भी बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पे मैं साइड पे गई तो यहाँ से जो है ये मुंबई दिख रहा है, ये बोरीवली है। और देखो पूरा ग्रीन, क्योंकि इसके पीछे जो है संजय गांधी पार्क का इलाका आता है आई थिंक, तो ये सारा जो है पूरा ग्रीन दिख रहा है ये देखो। और बहुत ही सुंदर है, मतलब कैमरे पर उतना अच्छे से कैप्चर नहीं होता है, कितने बार ना सामने पर आपको जो है वो चीज़ें ज़्यादा सुंदर दिखती हैं। पूरी एकदम हरियाली हरियाली थी और बहुत ही सुंदर व्यू था। तो मैं अपनी तो ले नहीं सकी फ़ोटो क्योंकि जो है मैं अकेली गई थी, तो मैंने सोचा चलो इधर उधर ही की कैप्चर कर लेती हूँ। तो बस यही है। और बस इसके बाद जो है मैं इधर भी आगे देख रही थी कुछ है कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत जो एक लिफ्ट थी और सीढ़ियाँ थी शायद, अगर आपको गाड़ी पार्क पता नहीं मुझे नीचे पार्किंग का है क्या है कहाँ जाना है, बट सीढ़ियाँ वगैरह थी नीचे जाने के लिए। बस उसके बाद जो है थोड़ा आगे जाके फिर जो है मैं वापस आ गई। तो यही है हमारा प्यारा सा त्रिमंदिर जो कि बहुत ही सुंदर है। और अगर आप आसपास रहते हैं तो आप ज़रूर आएँ यहाँ एक बार, बहुत ही सुंदर है। आपको बहुत मतलब आप अंदर आराम से बैठ भी सकते हो काफ़ी टाइम के लिए। और भीड़ जो है वो काफ़ी कम ही रहती है, क्योंकि जब मैं गई थी तो तब भी ज़्यादा लोग नहीं थे, मुश्किल से 5-6 लोग होंगे। ये देखिए ये शायद ये कुछ पता नहीं कुछ हो रहा था, क्या हो रहा था, तो यहाँ पूरा काम चल रहा था। तो काफ़ी सुंदर मंदिर ये बनाया गया है। जो ये मंदिर है ये बोरीवली ईस्ट के ऋषिवन नाम की जगह में है। तो मैं आपको जो डिटेल्स हैं वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो अगर आपको आना चाहते तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बस थोड़ा देर जो है दर्शन करने के बाद और थोड़ा देर रुकने के बाद जो है अब मैं जा रही हूँ घर। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप कि आपने इंजॉय किया होगा। और सॉरी मुझे बहुत लेट हो गया ये वीडियो बनाने में, आजकल करके जो है बहुत टाइम चला गया। तो बस इसलिए मैं जो है आज अकेले ही आ गई, कोई साथ में नहीं आया तो इसलिए मैं अकेले ही आ गई। और यहाँ का व्यू भी बहुत सुंदर है काफ़ी, ये थोड़ा टॉप पर है तो बहुत सुंदर लगता है। तो अब मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टाटा बाय टेक केयर। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय टेक केयर।